हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में जो देखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का। क्या है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ जाइए आए हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या है वो भी आपको बताते हैं। पेपर का नाम आप सबको पता है, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस। क्या है होम साइंस? पेपर का नाम आपका है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी आवास एवं सतत शिक्षा। ये आपके पेपर का नाम है, जिसमें आज हम लोग जो पार्ट देखने वाले हैं वो पार्ट होगा एक्सटेंशन एजुकेशन का। यही इस समय हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन लेना है या कोई टॉपिक है जो आप पर्टिकुलर आप लोग को चाहिए, आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है संचार की विशेषताएँ बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात कर लें किसकी, ये तो एकेडमिक लेवल की बात हो गई, वैसे एकेडमिक वाले ही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ये तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर हम लोग इसकी इम्पॉर्टेंट की बात कर लें, ओके, आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं। अगर इसके इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका TGT PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UGC नेट का पेपर हो, ठीक है, हर जगह पर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं कि संचार कैसी क्रिया है या संचार की क्या विशेषता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आपके इसीलिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको रट लीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ यहाँ पे। बस आपको एक या दो बार ध्यान से वीडियो को पढ़ लेना है। क्या करना है, एक या दो बार ध्यान से वीडियो को पढ़ लेना है, यानी सुन लेना है ध्यान से, बस आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बातें ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखने वाले संचार की विशेषता, तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे सबसे पहले विशेषता इसका जो पहला है वो क्या है, संचार एक सतत क्रिया है। सतत का मतलब लगातार चलने वाली क्रिया है, संचार हमेशा चलता है। आप लोगों को जब मैंने संचार का अर्थ एवं परिभाषा बताया था तब भी हमने आपको ये बता दिया था कि संचार कैसी क्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो पहली बार क्राइम करना शुरू करता है, OI, तभी से वो संचार करना शुरू कर देता है। तो संचार एक जन्मजात यानी कि आपकी सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब तक व्यक्ति का डेथ नहीं हो जाता तब तक ये संचार प्रक्रिया चलती है। तो बिना संचार के वर्तमान युग में रहना असंभव है। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को पिछली वीडियो हमने बताया था उसमें हमने आप लोग को कई सारे उदाहरण दिए थे, तो ये सारे जो होते हैं संचार ही होते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं या एक लेडी से बैठकर किसी की चुंगली कर रही है, वो भी संचार है। डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे जैसे हो रहा है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो संचार प्रक्रिया हो रही है। तो यही कहा जा रहा है कि संचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इस वर्तमान में हम लोग बात करें तो बिना संचार के कुछ भी संभव नहीं है, अर्थात संप्रेषण यानी संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। चाहे वो ग्राहक हो, कोई कर्मचारी हो, या सरकार हो, या व्यापार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति या संस्था, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जो संचार को क्या कर रहा है, जो संचार को आगे बढ़ा रहा है या उसमें चल रहा है। एक कर्मचारी है तब भी वो जो व्यवसाय है, व्यवसाय के मालिक से बात करेगा, ग्राहक से बात करेगा, सरकार से बात होगी, यानी कि व्यापार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति होंगे या कोई संस्था है, सबसे संवाद होगा। यानी संवाद का मतलब हो गया कि बात होगी, तो ये संवाद होगा तो संचार होना ही होना है। तो संचार क्या हो गया आपका, सतत प्रक्रिया होती है यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है
वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है संचार सशक्त माध्यम है, यानी कि ये एक सत्य माध्यम है, पूरी तरह से सत्य है। यानी संचार का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सूचना भेजने का माध्यम। माध्यम एक माध्यम होता है, किसी भी कोई भी वो माध्यम हो सकता है, आप सामने बैठकर भी किसी से संचार कर सकते हैं, ठीक है। सूचना भेजने का माध्यम या तरीका इतना सशक्त होना चाहिए कि उसने जिस उद्देश्य के लिए सूचना या संदेश भेजा है वह आसानी से पूरा हो जाए। अतः संदेश का तरीका या माध्यम अत्यंत व्यवहारिक होना चाहिए। बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि संचार का जो एक सशक्त जो माध्यम होता है, यानी संचार का जो माध्यम है वो इतना ज़्यादा सरल होना चाहिए कि हम आपको, जैसे यहाँ पे हम आपको, हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ और देन जाके अपने जो आंसर की है या आपका आंसर जो बुक है उसमें सेम टू सेम लिख सकें, जो हम आपको बता रहे हैं आप उसी वे में जाकर उसको लिख सकें। यही एक जो होता है, ये जो एक तरीका हो गया वही आपका क्या होता है, एक सही या आसान तरीका माना जाता है या सशक्त तरीका माना जाता है। यानी कि हम जिस वे में आपको बता रहे हैं आप उसी वे में समझें। ये नहीं हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी मम्मी आपको अभी घर पर जाएंगी तो डांटेंगी, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगा कि आप कह रहे हो कि आपकी मम्मी जो है बहुत बदतमीज़ है, अभी घर पे जाओगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। लेकिन हमने आपको क्या कहा, आपने गलती किया, आप घर जाओगे आपको डांट पड़ेगी, हमने ये कहा, लेकिन आप उसको गलत बे में लिए, तो ये एक संचार नहीं होगा। लेकिन आपको जिस तरीके से हम जिस उद्देश्य से आपको संदेश दे रहे हैं आप उसी उद्देश्य में उसको प्राप्त कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो वो हमारा एक अच्छा क्या होगा, माध्यम होगा या संचार होगा। ओके, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो हमारा है कि संप्रेषण अति व्यापक है। ये बात तो सही है कि संचार जो है वो बहुत ही व्यापक है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये हर जगह, बिना संचार के कुछ नहीं हो सकता। अभी आप लोगों का G20 हुआ है दिल्ली में, आप लोगों ने देखा, मतलब दूर दूर के लोग आए किसके माध्यम से आए, संचार, उनके पास संदेश भेजा गया तभी वो लोग आए, तभी ये संभव हो पाया। नहीं तो हमारे पास संचार के माध्यम नहीं होते, उनको ईमेल नहीं कर पाते, या टेलीफोन नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो ये संभव ना हो पाता, ठीक है। तो ये बहुत व्यापक है, देखिए आपके कितने 20 देशों के जो है यहाँ पे आए थे लोग, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था। ओके, तो संप्रेषण एक व्यापक रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में केवल सूचना या संदेश देना नहीं आता है, बल्कि विचार होते हैं, आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, सुझाव होते हैं, शिकायत भी होते हैं, परामर्श भी होते हैं, जटिल मुद्दों का निर्वाचन व विश्लेषण करके परिणाम की अधिकृत जानकारी देना भी शामिल होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि हम आपको एक संदेश दे रहे हैं, संदेश देना ही इसका एक मोटिव नहीं होता है। इसमें ऐसे होते हैं, जैसे मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर, अब देखिए मुझे प्रॉब्लम है, मैं इस समय लगातार वीडियो आप लोग को कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, दूसरे तीसरे दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है लगातार बैठना नहीं है, कंटिन्यू बैठने से मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी रीढ़ की हड्डी में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं पर्टिकुलर आप लोग को नहीं दे पा रही हूँ वीडियो, तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या करना है, झुकना नहीं है, गाड़ी पे नहीं बैठना है, ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, सर को नहीं झुका के बैठना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो इन्होंने क्या किया, एक निर्देश दिया, या आप कह सकते हैं एक परामर्श किया, आपसे कोई शिकायत कर रहा है तो आप उसका सुझाव देंगे, किसी का कोई समस्या है तो उस पर सुझाव देंगे। तो इसके जो संप्रेषण है, इसकी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही व्यापक है, हर क्षेत्र में ये होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, संप्रेषण अति व्यापक है, ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट है संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। हमने बताया था आप लोगों को अर्थ और परिभाषा वाले वीडियो में, जब हमने बताया था तब भी हमने आपको ये कई डिफिनेशन में भी आप लोगों ने देखा कि संप्रेषण क्या है या संचार क्या है, द्विमार्गीय या टू वे जो होता है, प्रोसेस होता है। अब टू वे प्रोसेस क्यों होता है, तो टू वे इसलिए होता है क्योंकि हम आपको संदेश दे रहे हैं, आपको क्या समझ में आया, आप अपना फीडबैक देंगे हमें, ठीक है, यानी हमने
किसी इनपुट किया यानी संचार को भेजा, बीच में किसी माध्यम की वजह से आप तक पहुंचा, आपने उसे प्राप्त किया, अब आपको संतुष्टि होनी चाहिए, उसका फीडबैक क्या है, आप अपना फीडबैक देंगे। आप लोग जैसे कमेंट करते हो कि मैम वेरी नाइस वीडियो, ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया, मैम मुझे नहीं समझ में आया, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है, तो ये जो आप दे रहे हो ये फीडबैक हो गया। लेकिन आपने दिया ये, मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे हमने आपको वीडियो दिया, ये आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँच गया, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा, आपने प्राप्त किया। अब आपका क्या होगा, आपका फीडबैक आएगा, और ये फीडबैक कैसे, आपके जरिए ही ये फीडबैक आया, और देन ये फीडबैक हमारे तक आपने पहुंचा दिया, तो ये फिर से यहाँ पहुंच गया। तो फिर से ये इस तरीके मेरा कुछ होगा, मैं आपको बताऊंगी, तो इस तरीके से ये क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सूचना, संदेश भेजने या देने वाला दूसरा ऐसी सूचना ग्रहण करने या लेने वाला, इन दोनों के मध्य संदेशों अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों ओर से होता है, इसीलिए यह द्विमार्गीय प्रक्रिया मानी। हमने कहा हम आपको संदेश दे रहे हैं, आप अपना फीडबैक देंगे, फिर उसके बाद हमारे तक पहुंचेगा। तो यही कह रहा है कि जो माध्यम है, जिस माध्यम से भेजा गया, जो प्राप्त कर रहा है या ग्रहण कर रहा है और संदेश भेज रहा है, इन दोनों के बीच क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे द्विमार्गीय क्या कहा जाता है, द्विमार्गीय जो है प्रोसेस माना जाता है, क्रिया माना जाता है, या टू वे प्रोसेस माना जाता है। इसको आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अभी आपको जो बताया बस सेम वही चीज़ है कि हमने संदेश भेजा, इनपुट किया किसी माध्यम से यानी चैनल से, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे, संदेश आपको प्राप्त हुआ, आउटपुट यानी कि आपको प्राप्त हुआ संदेश, हमने भेजा किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपको प्राप्त हुआ, आप तक पहुँचा, देन आपने क्या किया, देन आपने क्या किया, अपना प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया, ठीक। अब फीडबैक में हमने आपको बताया, आप बताओगे आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आप फीडबैक दोगे, वेरी नाइस क्लास, वेरी बैड, जो भी दे रहे हो वो आपका फीडबैक होगा, देन हमारे पास ये पहुंचा, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, आप इसी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, ओके, हम नेक्स्ट में इसकी भी सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फीडबैक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको द्विमार्गीय क्या कहा जा रहा है, द्विमार्गीय प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं टू वे प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक विशेषता ये भी होती है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके नेट, यूजीसी नेट हो गया आपका, ठीक है, इन सब में ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा, संप्रेषण के विभिन्न माध्यम। अब देखिए संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है लिखित होता है, मौखिक होता है, टेलीफोन हो गया आपका, समाचार पत्र हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके माध्यम बहुत ज़्यादा होते हैं, देख सकते हैं पत्राचार हो गया, टेलीफोन हो गया, तार के अतिरिक्त आपका फ्लैक्स हो गया, ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है। अब तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, तो इसके बहुत सारे यानी कि संचार करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं किसी के भी। अब आपका व्यवसाय क्या है, कैसी समस्या है, ठीक है, समस्या कैसी, आपको प्रैक्टिकल आपको पता बताना है या आपको बुकलेट द्वारा, तो आपका व्यवसाय कैसा है, समस्या कैसी है, आपकी जो व्यवसाय का आकार कैसा, प्राकृतिक क्या है, संदेश की ज़रूरत कैसी है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार माध्यमों को चुनते हैं, ओके। हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेना है, या हमें आमने सामने बैठकर ही बात करना पड़ेगा, या हमें प्रैक्टिकली दिखाना है तो हमें जाना ही जाना पड़ेगा, आपको पत्र भेज दिया, आपने सूचना प्राप्त कर लिया, तो वो आपके समस्या के ऊपर निर्भर करता है, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, माध्यमों को चयन करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा जो होगा, लास्ट होगा, संप्रेषण एक प्रबंधकीय कारक है, ठीक, बिल्कुल प्रबंधकीय है, बिना प्रबंध किए, क्योंकि बिना योजना बनाए हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो हमने दिया है संचार की विशेषता, समझ जाइए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर आउट वाला है, आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। तो संचार प्रबंधकीय कारकों की आधारशिला मानी जाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि संस्था उपक्रम के कार्यों का निष्पादन कितनी कुशलता के साथ किया गया वह बहुत कुछ प्रबंध के संदेश वाहन की कुशलता पर निर्भर करता है,
ठीक है। कहने का मतलब इतना है कि बिना प्रबंध किए अगर हम कोई चीज़, जैसे हमने यहाँ पे पहले अपने टॉपिक को तैयार किया, यहाँ पे मैंने PDF बनाया, ठीक, ये मेरी पहली योजना थी आज मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, मैंने ये एक योजना बना ली कि आज मुझे संचार की विशेषता पढ़ाना है। देन हमने क्या किया, PDF तैयार किया, इस टॉपिक को हमने एक बार पढ़ा, अच्छे से समझा, उसके बाद हम आपके सामने हैं। तो ये प्रबंध करके ही हम आपके सामने आए, हमने मोबाइल लिया, हमने रिकॉर्डिंग ऑन की, उसके बाद ही हम आपके पास ये संदेश भेज पा रहे हैं। तो ये एक प्रबंध किए व्यवस्था होती है, बिना प्रबंध किए या बिना योजना तैयार किए हम लोग इसको नहीं जो है प्रोसेस कर पाएंगे, ओके, क्योंकि संस्था, ठीक है, क्योंकि संस्था उपक्रम के कार्यों का निष्पादन कितनी कुशलता, ठीक है, क्या कितनी कुशलता के साथ किया गया वह बहुत कुछ प्रबंध के संदेश वाहन की कुशलता पर निर्भर करता है। व्यवसाय के विभिन्न घटकों के जो है समान समन्वय नेतृत्व अभिप्रेरणा एवं निर्देशन का कार्य अच्छा यहाँ पे थोड़ा से निर्देशन का कार्य यहाँ पे है, ओके कार्य संचार द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों के मध्य सौंदर्भ एवं प्रभाव का एक व्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था ही जमाया जा सकता है। प्रबंध के बिना हम किसी व्यवसाय की बात कर लें या कर्मचारी की बात कर लें तो उसके बीच जो हमारा संबंध होता है सौरभ यानी सौहद्र एक सुगम जो देखा जाए एक स्वाभाविक जो हमारा मध्य संबंध होगा उसको बनाने के लिए जब तक हम लोग एक व्यवस्थित प्रबंध नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं किया जा सकता, ओके। आई होप आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। संचार के हमने आपको 6 विशेषता बताई है। पहला, संचार एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, हमने आपको बताया संचार एक सशक्त माध्यम है, ओके। उसके बाद हमने बताया है संचार अति व्यापक होता है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। संचार एक द्विमार्गीय प्रोसेस है, ये भी अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे, ओके। उसके बाद हमने 5 नंबर पे आपको बताया था संचार के विभिन्न माध्यम होते हैं, ओके। उसके बाद हमने 6 नंबर पे बताया संचार एक प्रबंधकीय कारक है, ओके। तो ये आप लोगों को जो है आज का टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है या आपको ज़रा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में हालांकि शब्द को यूज़ करती हूँ लेकिन आप लोग जो है नहीं लाइक करते हैं तो वो आप लोग की थिंकिंग है, तो वैसे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।